Press the bell icon of the Epaathshaala channel and never miss another update. So hey guys, welcome back to your class and now this is your Vijay here. दोस्तों आप सभी को पता है कि हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस कर रहे थे अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस. अब अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस में दोस्तों जो जो चीज़ें आ रही है वो हमने डिस्कस करी है और इसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस क्या आएगा. कहने का मतलब ये है कि आपने ये देखा था कि जब हमने इससे पहले सेकंड बुक यानी कि इंडिया वाली बुक के चैप्टर्स डाले थे तो उनमें हमने 6 चैप्टर तक कवर कर लिया. दोस्तों अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 7th और 8th चैप्टर कम्प्लीटली रिड्यूस हो चुका है, वो हट चुका है, अब वो चैप्टर पेपर के अंदर नहीं आएंगे. तो दोस्तों क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का ये लास्ट चैप्टर है जो अकॉर्डिंग टू 2020 सिलेबस में आ रहा है. तो ये दोनों बुक ख़त्म हो जाएगी हमारी, फाइनली हम इसके सेशन ख़त्म कर देंगे. फिर हम और भी चीज़ें हैं जो इसकी शुरुआत करेंगे इसके अंदर, उसके ऊपर आप हमें क्या कहते हैं कमेंट कीजिए, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आप किस चीज़ों पे डिमांड कर रहे हैं, हम वो पूरा करने की कोशिश करेंगे. अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें बहुत यूनिक तरीके से आपके लिए लाते रहते हैं. ओके, तो दोस्तों हम ये बात करेंगे वीडियो के पहले पार्ट में कि किस तरीके से भारतीय राजनीति के अंदर नए बदलाव हुए. हम देखेंगे कि रीसेंट डेवलपमेंट क्या हुए थे इंडियन पॉलिटिक्स कॉन्टेक्स्ट में. एग्जांपल के लिए अगर आपको बताया जाए कि इस पूरे चैप्टर का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, दैट मीन्स लोकतंत्र के गठबंधन राजनीति के उदय के क्या मायने होते हैं, दैट मीन्स हमें जानना होगा. आप जानने की ये कोशिश करें कि 1971 में जिस तरह से गवर्नमेंट जो थी कांग्रेस की वो पूरी मेजॉरिटी में आई थी और 1977 तक पूरी मेजॉरिटी में रही थी. लेकिन दोस्तों इस चैप्टर के अंदर हम ये देखने की कोशिश करें कि गठबंधन की सरकार जब आती है तो देश की राजनीति में क्या बदलाव आते हैं. दूसरा फिर दोस्तों हम ये देखेंगे कि मंडलाइजेशन है क्या इस चैप्टर के अंदर, यानी कि मंडलीकरण क्या है, इसकी वजह से किन मायनों से यह राजनीति प्रतिनिधि की प्रकृति को बदल देगा. मतलब 1989 के बाद राजनीति में कुछ ऐसे बदलाव हुए ना जो आज तक हमने कभी नहीं देखे थे अपने भारत के इतिहास के अंदर, वो देखेंगे इस चैप्टर के अंदर. दूसरा हम ये देखने की कोशिश करेंगे, लेगेसी देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमें राम जन्मभूमि मूवमेंट और अयोध्या डेमोलिशन मूवमेंट जो था उसने कैसे जो हमारी राजनीति है उसकी उसकी मैं कह सकता हूँ एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि उसके सिचुएशन को बदल के रख दिया. कहने का मतलब ये कि भारत क्योंकि एक रिलीजियस कंट्री है और धर्म के नाम पर आपको पता ही है कि वैसे भी सरकार अपनी हाथ सेकती है, सरकार को फ़ायदा मिलता है कि कैसे धर्म के नाम पे इंसान को लड़ाना और फिर फाइनली यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करना. तो यहाँ पर आप देखने की ये कोशिश करें कि राम जन्मभूमि और साथ में अयोध्या जो डिस्प्यूट चल रहा था नेशन के अंदर वो कैसे फाइनली जाके ठीक होता है. ओके, तो हम ये जानने की सारी कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि 1989 के दशक के बाद जो सरकारें आई थी 2004 तक उन सभी ने कैसे गठबंधन सरकार होने के बावजूद भी ऐसे कौन कौन से फैसले लेके आई जो सही मायने में राजनीति को बदल देगी, ये हम समझेंगे. ओके, तो दोस्तों अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं. दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके रिवीजन के लिए आपको गाइड चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए, टॉप स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा जहाँ से आप ईजिली परचेज कर सकते हैं. कोशिश करिए मैंने बच्चों को यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत ना हो. ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. हम ये देखने की कोशिश करें कि 1990 के दशक में, दैट मीन्स 1990 से लेके आप बोल सकते हो 2004 तक की राजनीति में क्या क्या बदलाव आए थे वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. जिसमें से पहला बदलाव तो ये था कि किस तरीके से इंडियन कॉलोनेशन पॉलिटिक्स बनती है. कहने का मतलब जोड़ तोड़ की राजनीति बनती है. 1989 के इलेक्शन के बाद 2004 के इलेक्शन तक ऐसा देखा गया था कि किसी भी सरकार को संपूर्ण बहुमत नहीं मिला था, इसलिए दो या दो से अधिक सरकारों को एक साथ मिलके कहीं ना कहीं सरकार बनानी पड़ रही थी, जिसे जोड़ तोड़ की राजनीति बोलते हैं और आप उसे इंग्लिश में कॉलिनेशन गवर्नमेंट बोलते हैं. आपको पता है कि कॉलिनेशन गवर्नमेंट जो होती है ना वो कहीं ना कहीं ख़राब होती है, कमज़ोर होती है और
ज़्यादातर नहीं टिक पाती है। तो इसीलिए हमें ये जानने की कोशिश करनी पड़े कि जो कॉलोनेशन गवर्नमेंट आई थी 1989 के बाद वो क्यों आई थी, क्या कारण था। उसके बाद हम ये देखने की कोशिश करें कि मंडल कमीशन क्या था। दोस्तों ओबीसी के इतिहास में जो भी बच्चा ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो ये मान लीजिए कि आपका इतिहास जो है वो कहीं ना कहीं मंडल कमीशन से जुड़ा हुआ है। और यहाँ से ओबीसी ने क्या क्या नए तरीके की चीज़ें निकाली थी, सॉरी ओबीसी के लोगों के लिए क्या क्या नई तरीके की चीज़ें निकाली थी वो हम इसमें देखेंगे। और किस तरीके से मंडल कमीशन कैसे हमारे भारतीय राजनीति की चीज़ों को बदलता है, ये किस प्रधानमंत्री के टाइम पीरियड पे हुआ था वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमने 1991 के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसे आप LPG के नाम से जानते हैं उसमें थोड़े बहुत बदलाव करें, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसमें हमने कैसे क्या क्या चीज़ों का बदलाव करा वो भी हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। साथ में भाई सबसे इम्पोर्टेंट राम मंदिर, रामलला जब तुम आओगे तो ये है। दूसरा बाबरी मस्जिद कांड, किस तरीके से शिवसेना ने पूरी तरीके से मस्जिद पर चढ़ के मस्जिद को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया। ये तो इतना बड़ा डिस्प्यूट था जो 1992 से फंसा हुआ था और फाइनली आप देखेंगे कि 2018 में जाके डिस्प्यूट उस टाइम पे रंजन गोगोई के द्वारा इसका समाधान निकला था और फाइनली अब वहाँ पे राम जन्मभूमि बनने जा रही है, राम मंदिर बनने जा रहा, प्रोजेक्ट हो चुका है स्टार्ट 9,000 करोड़ रुपए का सरकार के द्वारा, जो मुझे समझ में नहीं आता कि उन्होंने ऐसा क्यों करा। अगर इतना पैसा सरकार एजुकेशन पर खर्च करती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ऐसे डिस्प्यूट को हम डीपली एनालाइज करेंगे। साथ में फिर हम देखेंगे कैसे 1991 के अंदर राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, हत्या इन द सेंस उन्हें बम से उड़ा दिया गया था। तो इस तरीके से इस पूरे चैप्टर के अंदर जो मेन मिर्च मसाला आपको देखने को मिलेगा वो आपको ये 5 टॉपिक देखने को मिलेंगे। अदरवाइज इससे रिलेटेड साहबानो केस के बारे में भी इसमें बताया हुआ है, जो साहबानो आज वैसे भी इतने ट्रेंडिंग पे चल रही थी रिसेंटली, तो ऐसे केसेस भी हम देखेंगे। साथ में हम ये देखने की कोशिश करें कि 1990 के बाद में किस तरीके से भारतीय राजनीति में क्या क्या बदलाव हुए और भारतीय राजनीति में बदलाव होने के साथ साथ भारत के कॉन्टेक्स्ट में डेवलपमेंट क्या क्या हुए। ओके, तो ये तो था, हमने इस पोस्टर के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश करें कि कांग्रेस प्रणाली का अंत, कहने का मतलब ये कि 1991 तक अगर आप देखें तो सरकार इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी में थी ना कि आप यकीन नहीं मान सकते कि सरकार के सामने उस समय मैं कह सकता हूँ कि वचनबद्ध ब्यूरोक्रेसी जो थी, नौकरशाही जैसे आप बोलते हैं, और कमिटेड जुडिशरी जो होती है वो भी इन्हीं के अंडर में थी। न्यायपालिका हिस्सा, कार्यपालिका का हिस्सा और साथ में विधायिका का हिस्सा, सारा हिस्सा सरकार के अंडर में था। और आप ये देख सकते हैं कि 71 के टाइम पीरियड में सरकार अपने पीक पे थी और उस टाइम पे सरकार को कोई कह सकता हूँ नहीं हरा सकता। लेकिन दोस्तों 1999 तक आते आते आप सिचुएशन देखेंगे कि किस तरीके से जो सरकार थी पूरी तरीके से बैकफुट पे आई हुई थी और किस तरीके से कांग्रेस जो थी वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बैकएंड में जाना पड़ेगा। अगर आपको याद हो इंदिरा गांधी की शुरुआत जो स्टार्ट हुई थी वो 1969 के टाइम पीरियड पे ही हुई थी, 66 के टाइम पीरियड पे। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू जी के मरने के बाद, जवाहरलाल नेहरू जी तो कब मरे थे 1964 में, उसके बाद अपॉइंट कराया गया था शास्त्री जी को, उनकी भी डेथ हो गई थी 66 में। और यहाँ पे शास्त्री जी के मरने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को कौन चलाएगा वो बहुत बड़ा एक मिथ था, सोच रहे थे लोग कि यार अब कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री के मरने के बाद आपको पता ही है फिर सिंडिकेट ने कैसे इंदिरा गांधी जी को अपॉइंट करा, और इस तरीके से इंदिरा गांधी जी 1966 में अपॉइंट हुई थी और 1967 के अंदर फाइनली इलेक्शन होते हैं और सेंट्रल में सरकार इंदिरा गांधी की आती है। ये सरकार भी गठबंधन राजनीतियों का था क्योंकि 13 जगहों पर सरकार हार चुकी थी 13 राज्यों के अंदर, लेकिन सेंट्रल में सरकार इन्हीं की ही बनी थी। गठबंधन की राजनीति का दौर 1967 से ही स्टार्ट हो चुका था लेकिन 1989 तक आके ये बहुत ही ज़्यादा विकराल रूप ले चुका था बिना कांग्रेस के। 1967 में सरकारें तो थी लेकिन कांग्रेस सरकार मेजॉरिटी में होती थी, सेंट्रल में होती थी, और वो रीजनल लेवल पे क्या कहते हैं आप देखेंगे कि वो वहाँ पे क्या करती है रीजनल लेवल पे,
गठबंधन कर लेती है। ये तो थी 67 की बात, लेकिन अब बात करते हैं 1969 की। 12 नवंबर 1969 के दिन आप देखेंगे कि नई कांग्रेस बनती है, जिसे आप कांग्रेस आई के बाद कांग्रेस आर के नाम से जानते हैं। देखो उस समय पे दो कांग्रेस थी, एक कांग्रेस कौन सी थी दोस्तों, एक कांग्रेस थी हमारी ओ जो सिंडिकेट की थी, और एक थी कांग्रेस आर जो हमारी इंदिरा गांधी जी की थी। कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर क्यों हुई, इसके बारे में मैंने पहले ही आपको पांचवें चैप्टर में बताया हुआ है, और छठे चैप्टर में भी उसी का लिंक है। इस तरीके से 1969 के अंदर कांग्रेस जो आर थी वो जीत जाती है इंटरनली डिस्टर्बेंस होने की वजह से, लेकिन उसके बाद 1971 के अंदर दोबारा इलेक्शन होते हैं। 1971 के इलेक्शन में अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस आर को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी 352, और उसने गठबंधन कर लिया था सीपीआई के साथ जिसकी 23 मैं कह सकता हूँ सीटें थी। इन दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी, और 1971 में इंदिरा गांधी जी अपने पीक पे थी, और उसने फिर बहुत सारे काम करे थे, वो आपको पता है, वो आपने 6 चैप्टर में पढ़ लिया, क्योंकि 6 चैप्टर में आपने देखा था कि इमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद 1977 मार्च में इलेक्शन हुए थे। अब यहाँ पे जो सरकार 1971 के अंदर पीक पे थी, लेकिन 1977 के अंदर वो हार गई। क्यों? क्योंकि दोस्तों नए प्रधानमंत्री चुने गए जनता पार्टी के, उन्होंने दोस्तों आप देख सकते हो 23 मार्च 1977 से 71 तक ये चौथे हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, मोरारजी देसाई जी। और जब चौथे ये प्रधानमंत्री बने तो ये भी ज़्यादा समय तक टिके नहीं, उसके बाद यहाँ पे नए आते हैं प्रधानमंत्री चरण सिंह जी, पांचवें नंबर पे ये होते हैं, और ये 79 से आप देख सकते हैं 1980 के दशक तक ही रहे। उसके बाद फिर यहाँ पे गठबंधन राजनीति होती है चरण सिंह के साथ, लेकिन चरण सिंह के साथ इंदिरा गांधी जी अपना वोट बैंक खींच लेती है, सपोर्ट तो देती है बाद में फिर खींच लेती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वो दोबारा सत्ता में आ गई थी जनवरी 14, 1980 से अक्टूबर 1984 तक, 1984 तक इसीलिए क्योंकि उसके बाद उनकी हत्या हो गई थी। इस तरीके से ये देखा जा सकता है कि 1971 के बाद सरकार जो थी उस टाइम पे कांग्रेस आर लड़ रही थी, कांग्रेस आर लड़ रही थी, और उसके बाद 77 के अंदर फिर से कॉलिनेशन गवर्नमेंट आई थी, लेकिन 1980 के अंदर दोबारा से कांग्रेस ने बैक करा और कांग्रेस आई बनाई। इस तरीके से कांग्रेस आई 1980 के अंदर आई थी, और कांग्रेस आई का उस टाइम पे जो सिंबल था दोस्तों वो हाथ का पंजा था, आप देख सकते हो हाथ जो था वो सिंबल था, और उस टाइम पे कांग्रेस ने इस सिंबल का इस्तेमाल करा था, और सारी की सारी पार्टियां आप देख सकते हो पूरी तरीके से इंदिरा गांधी से बैकफुट पे चली गई थी। इस तरीके से पूरी तरीके से आप देख सकते हो कि सरकार दोबारा से उन्हीं के हाथ में आ गई थी, और 1980 के अंदर सरकार ने काफ़ी अच्छी मेजॉरिटी गेन करी, लेकिन किसी कारणवश पंजाब के अंदर आप देख सकते हो कि वहाँ के ऑपरेशन ब्लू स्टार होने की वजह से इंदिरा गांधी जी को मार दिया गया था। अब वो चीज़ चैप्टर 7 के अंदर थी, लेकिन दोस्तों वो चैप्टर अब हट चुका है, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हट चुका है। 2021 के अंदर अगर वो सिलेबस में आएगा तो हम उसे ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे 1980 से लेके 1984 तक इंदिरा गांधी जी रहती है, अगर इनकी हत्या नहीं होती तो शायद से और आगे तक भी ये राज कर रही होती, लेकिन उनकी हत्या हो गई थी। हत्या होने के बाद उनके बेटे जो थे छठे देश के प्रधानमंत्री बने, और वो 1984 से लेके 1989 तक रहे। तो दोस्तों ये पूरा टाइम पीरियड कहाँ से है, ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड 1967 से 1989 के बीच में, लेकिन अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे 1990 का दशक। 1990 के दशक में क्या हुआ दोस्तों, गठबंधन की राजनीति आएगी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को अभी तक आप देखेंगे कि सपोर्ट मिल रहा था और कांग्रेस कहीं ना कहीं सरकार बना रही थी, लेकिन 1990 के चुनाव के अंदर गठबंधन की राजनीति का युग चालू होता है। यहाँ पर सरकार कांग्रेस के अलावा बनाने की कोशिश करवाएंगे, और यहाँ पे कोशिश करा जाएगा कि कांग्रेस को बाहर रखा जाए सत्ता से। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले 1989 के अंदर इलेक्शन होते हैं, 5 साल पूरा होने के बाद जब इलेक्शन होते हैं तो कांग्रेस पार्टी उसमें हार जाती है, डिफीट कर जाती है, और उनको ज़्यादा सीटें नहीं मिलती है, लेकिन किसी भी पार्टी को कोई भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है। मेजॉरिटी इसलिए नहीं क्योंकि सरकार में सभी को वोट शेयर एक जैसा नहीं मिला था,
इसीलिए उस टाइम पे वीपी सिंह, आप देख सकते हो विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनकी सरकार बनी थी और देश के 8वें प्रधानमंत्री बने थे। वो कैसे बने थे वो आप ये देख सकते हो वोट शेयर के हिसाब से। 1989 के अंदर सरकार आई और यहाँ पर वीपी सिंह जो थे, आप देख सकते हो नेशनल कांग्रेस पार्टी को कितनी मिली सरकार, 197 सीटें मिली, पर इनसे सरकार बन नहीं सकती है। इसी वजह से जनता पार्टी और साथ में जनता दल, इन दोनों ने मिलके उस समय पे सरकार बनाई और नेशनल फ्रंट जो एक तरीके का राजनीतिक दल था जो जनता पार्टी का ही था, उसने विश्वनाथ प्रताप यानी कि वीपी सिंह का सपोर्ट करा बाहर से और उन्होंने फिर सरकार चलाई। उनका टाइम पीरियड आप देख सकते हो कब से कब तक है। उनका टाइम पीरियड आप देखेंगे 2 दिसंबर से 1989 से 10 नवंबर 1990 तक ही है, यानी कि कहने का मतलब लगभग एक साल का टाइम पीरियड गठबंधन की राजनीति की वजह से ये चला पाए। और इन्होंने भी एक ऐसा कांड कर दिया जो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हमारे भारतीय राजनीति के अंदर बहुत तगड़ा बदलाव ला सकता था और लाया भी था। और यहाँ पे फिर वीपी सिंह के टाइम पीरियड पर नेशनल फ्रंट की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सपोर्ट करा था और नेशनल फ्रंट के साथ जनता दल थी, कुछ रीजनल पार्टी थी जो सपोर्ट में आई थी और बीजेपी को उस टाइम पे सपोर्ट कर रही थी। तो बीजेपी को उस टाइम पे लेफ्ट फ्रंट का भी सपोर्ट मिला था और नेशनल फ्रंट का भी सपोर्ट मिला था। इसकी वजह से वो 1989 के अंदर पहली बार सही तरीके से सत्ता में आ पाई थी। यहाँ पे आप जनता पार्टी देख सकते हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय लोक दल, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओ इन तीनों को मिलके बनी थी, इसीलिए उसने उस टाइम पे आप कह सकते हैं बीजेपी का सपोर्ट करा था। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं गठबंधन का युग जो था वो चलता रहा। यहाँ पे वीपी सिंह जो थे 1990 तक ही रहे नवंबर के अंदर, लेकिन फिर आ जाते हैं चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर नवंबर 1990 से लेके जून 1991 तक ही रह पाते हैं क्योंकि कांग्रेस इनको सपोर्ट करती है उस टाइम पीरियड पर, लेकिन ये ज़्यादा समय तक देश के प्रधानमंत्री बन नहीं पाए, इसलिए इन्होंने राजनीति में कुछ ज़्यादा कुछ उखाड़ा नहीं। तो कहने का मतलब ये कि चंद्रशेखर जी देश के हमारे प्रधानमंत्री तो बने रहे थे लेकिन बहुत कम समय तक के लिए बने रहे और दोबारा एक नए प्रधानमंत्री चुने जाते हैं जो कांग्रेस पार्टी के थे। कांग्रेस पार्टी में पीवी नरसिम्हा राव, आप देख सकते हैं पीवी नरसिम्हा राव देश के 9वें प्रधानमंत्री बनते हैं सही तरीके से। और 21 जून 1991 के बाद 16 मई 1996 तक अपना पूरा कार्यकाल पूरा करते हैं और यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस आई जो थी उसमें पीवी नरसिम्हा राव अपना टाइम पीरियड सही तरीके से चलाते हैं और उन्होंने भी कुछ ना कुछ बदलाव किए होते हैं। आप देख सकते हैं कि 1991 के इलेक्शन के टाइम पीरियड में 244 सीटों के साथ इनको बढ़त मिली थी और उन्होंने उस टाइम पीरियड पर जनता दल से सपोर्ट लिया था, लेकिन कहने का मतलब ये कि बाहर का ही सपोर्ट लिया था। उस समय पे किसी और पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, भारतीय जनता पार्टी उस समय उनके साथ अलायंस नहीं कर सकती थी, बाद में फिर कुछ और सिस्टम हुआ है ना। उस टाइम पीरियड के बाद कुछ छोटे समय तक दूसरे प्रधानमंत्री बने रहे, जैसे कि 12वें नंबर पर एचडी देव गोड़ा, ये 1996 से 1997 तक ही रहे जो 1 जून 21 अप्रैल तक ही है ना। उसके बाद कुछ महीनों के लिए 21 अप्रैल से 1997 वो देश के ये भी 12वें प्रधानमंत्री ही कहलाए थे जो 19 मार्च 1998 तक रहे थे। 1998 के बाद दोबारा से चुनाव होता है और यहाँ पे गठबंधन की राजनीति दोबारा बनती है, लेकिन दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन की राजनीति सही तरीके से चल नहीं पाती है, इसलिए कुछ ही दिन के अंदर वो रिज़ाइन कर देते हैं और 1991 के अंदर दोबारा से इलेक्शन होते हैं जिसमें एनडीए की गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट अंडर द प्राइम मेंबर लीडरशिप ऑफ बीजेपी लीडर अटल बिहारी वाजपेयी। और उसके बाद फाइनली इतिहास के अंदर ऐसा समय आता है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1991 से 2004 के बीच में चल पाती है, जिसमें भी कहीं ना कहीं गठबंधन का युग ही चल रहा था। इस गठबंधन के युग के अंदर देश के 10वें जो प्रधानमंत्री सही तरीके से बने थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। पहले 10वें थे, फिर 13वें नंबर पे आ गए थे। और यहाँ पे आप देखेंगे एल के अडवाणी जो थे वो डिप्टी पीएम थे उस टाइम पीरियड पे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इनका टाइम पीरियड 19 मार्च 1998 से 2004 तक चला था।
कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर उन्होंने 1989 के इलेक्शन में वो काफ़ी अच्छी तरीके से जीते थे और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन पाई थी। अब इतना सारा आपको याद करने के लिए दोस्तों मैंने एक पूरी की पूरी टाइमलाइन दे दी है, जिसमें आप देखेंगे कि 1977 से किस किस तरीके से कौन 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 क्या क्या बना था, आप ये देख सकेंगे, पूरी लिस्ट है। आप वीडियो को पॉज करके इसको आसानी से लिख सकते हैं कि एट प्रेजेंट टाइम तक कितने से कितने टाइम पीरियड पर कौन कौन प्रधानमंत्री बना रहा। लेकिन क्योंकि हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से 1998 और उसके बाद 1990 इस टाइम पीरियड के बीच में 1990 से लेके और 2004 तक की राजनीति जो थी वो उसमें कैसे भारतीय संविधान के अंदर क्या क्या बदलाव आए थे, हमें वो देखने की कोशिश करनी थी। तो ये थोड़ा सा इंट्रो पार्ट था जो मैं आपको समझाना चाहता था। अब जो जो राजनेता जिस जिस टाइम पीरियड पे आए वो आप समझ गए होंगे। वीडियो में आप चाहे तो इसे दोबारा से देख सकते हैं कि एक टाइमलाइन को लिख सकते हैं, क्योंकि मेन है पॉलिटिक्स में टाइमलाइन का सही तरीके से आपको पता होना। अगर आप पॉलिटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइमलाइन की बात कहाँ पे हो रही है, इसलिए ये मैंने स्लाइड आपको शेयर करी है। आप इसे आसानी से लिख लो कॉपी के ऊपर। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलता रहता है नए तरीके से। ये वीडियो का इंट्रो पार्ट था, जल्द ही वीडियो के सेकंड पार्ट में मिलेंगे। दिस इज इट इन दिस वीडियो। और अगर आपको सैम्पल पेपर गाइड कुछ भी परचेज करना है तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में। दिस इज इट इन दिस वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।